भैया तो अब चेकआउट टाइम है, हम लोग निकल रहे हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। यहाँ जो केयर टेकर हैं गोपाल जी, उन लोगों ने उन्होंने हमारे 1000 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज किए हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कोई वो फॉरेस्ट के एंट्री चार्जेस, जानवर के भी अपने फंडे चलते हैं, दूर रहते हैं वो। अभी सीन ये है कि हमारे ऑलरेडी सेंचुरी में एंट्री करने के पैसे लग गए थे, सो हमने सोचा उनको थोड़ा वर्थ करते हैं और सेंचुरी का एक विजिट लेके चलते हैं। तो हम लोग अभी सेंचुरी में आए हैं, अब देखते हैं कहाँ तक रोड जा रही है, वहाँ तक जाते हैं। और किंगफिशर वगैरह दिख रहे हैं, हाँ दिख गए। भैया आ गए सेंचुरी में और ये बस इससे आगे नहीं जाएंगे, बीटी हो जाएगी नहीं तो। ये दो रेंजर लोग या काउ बॉयज भी हमारे पास। भैया तो हम आ गए हैं अब हमारे लास्ट डेस्टिनेशन इस ट्रिप के, गोरम घाट, जहाँ पे ट्रेन का ब्रिज वगैरह है और पटरी वगैरह है। दो किलोमीटर है पैदल। हाँ तो प्लान ये है कि अब हम लोगों ने यहाँ पे कार पार्क कर दी है और अब हम लोग यहाँ से ट्रैक करके जाएंगे, इट्स अराउंड 2 किलोमीटर। और फिर उसके बाद में जो फोटो देखने हम आए हैं वो पटरी वाली, ये वाली फोटो, फिर हम वहाँ पहुँचेंगे। कार यहीं तक ही आती है, इसके आगे कार नहीं जाती। कार आई थिंक जाती भी है लेकिन उसके लिए दूसरा रास्ता है, वो थोड़ा लंबा पड़ रहा था तो हमने सोचा ट्रैक भी हो जाएगा। हाँ भैया तो हम आ गए हैं गोरम घाट और यहाँ पे एक वाटरफॉल भी है, बट प्रॉब्लम ये है कि अभी हम लोग पूरा भी डाउन हिल आए हैं और इसके बाद में आप पूरा लगने वाली है अच्छी वाली, और सारे चप्पल में है आज तो। अभी यहाँ तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पे पटरी वाली जगह पे, और वाटरफॉल भी यहीं पीछे ही है पर काफ़ी घटिया, मतलब वाटरफॉल घटिया नहीं है बट भीड़ इतनी ज़्यादा है ना कि वहाँ रुकने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, और कोरोना टाइम और है तो हम लोगों ने वो वाटरफॉल स्किप कर दिया और अभी हम यहाँ पटरियों पर आ गए हैं। काफ़ी ओवररेटेड जगह है, अनएक्सप्लोर तो बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी भीड़ आती है। आई थिंक जो लोग उदयपुर वगैरह से हैं और इस साइड रहते हैं, मेवाड़ साइड रहते हैं, वो लोग काफ़ी लोग आते हैं, तो काफ़ी गंदगी हो रही है, कचरा है यहाँ पे,
इतना कोई खास जगह नहीं लगी मुझे तो पर्सनली, बट अगर ये ट्रेन का ब्रिज देखा जाए वो एक थोड़ा अट्रैक्शन पॉइंट है, और बाकी वाटरफॉल में इतना पानी नहीं है अभी। यहाँ पे दो ब्रिज है, एक जिस पे अभी हम लोग हैं और एक इसके जस्ट पैरेलल लेफ्ट हैंड साइड पे, एंड फोटोज के लिए काफी अच्छी जगह है। क्या फोटो है दिखाना भाई। हाय गाइस, तो हम लोगों ने ट्रैक पूरा कर लिया है, मतलब एक साइड हो चुका है, अब हम रिटर्न कर रहे हैं। कुछ लोग आगे रह गए हैं, कुछ लोग पीछे रह गए हैं, मैं सबसे बीच में रह गया हूँ। तो चल रहे हैं थोड़ा स्पीड पकड़ के। अब हम लोग यहाँ से कार से अपने वापस जयपुर के लिए निकलेंगे, करीब 300 किलोमीटर जाना है। गोरम घाट में शराब पी के गंदगी बहुत फैला रखी है, हर नालसों के अंदर। यहाँ पे भी बोतल फेंक रखी है नीचे, यहाँ पे बोतलें वगैरह हर जगह मिलती है। विभाग वाले क्या कर रहे हैं, मतलब कोई अथॉरिटी भी नहीं है ना कि अच्छे क्वालिटी गोरम घाट में नहीं रखी है। बिल्कुल, मतलब काफी अच्छी जगह है, काफी अच्छी जगह है, धार्मिक स्थान है, टूरिस्ट भी बहुत आते हैं, काफी लोग आते हैं, काफी आते हैं टूरिस्ट। मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम लोग खुद को देखना है कि ये सब चीजें ना करें फालतू। जी धन्यवाद।